तो कल शुक्रवार था और कल बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, जिसका असर जवान और फुकरे 3 के कलेक्शन पर भी पड़ा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कल मूवीज़ कौन कौन सी रिलीज़ हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज की, जिसको भारत में 2500 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया है। उसके बाद आती है सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की मूवी दोनों, जिसको भारत में 300 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया है। उसके बाद में आती है छोटे बजट की मूवी थैंक यू फॉर कमिंग, जिसमें भूमि पेडनेकर है, शहनाज गिल है, अनिल कपूर हैं, करण बुंद्रा है। और साथ में रिलीज हुई है हॉलीवुड की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म द एग्जोरसिस्ट का अगला पार्क द एग्जोरसिस्ट बिलीवर। तो मेरे लिए चार मूवीज कल रिलीज हुई हैं, जवान और फुकरे 3 ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 6-6 फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर हो तो आप लोगों के पास में ऑप्शंस ज्यादा हैं कि आप कौन से जोन में कौन से जेनर में मूवीज देखना चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जवान के कल के कलेक्शन के बारे में। कल जवान का 30वां दिन, कल जवान ने 1.5 करोड़ रुपए से भी कम कमाई की। जवान का जो कल कलेक्शन रहा वो 1.30 करोड़ रुपए रहा। बात करें ऑक्यूपेंसी की, तो जवान की कल ऑक्यूपेंसी 11% के अराउंड रही। चलिए अब बात करते हैं फुकरे 3 के कलेक्शन की। फुकरे 3 का कल 10वां दिन था, कल फुकरे 3 ने 3.30 करोड़ रुपए के करीब कमाए और थिएटर में ऑक्यूपेंसी भी इसकी 11-12% के अराउंड ही रही है। उसके बाद में बात करते हैं दोनों मूवी के बारे में, दोनों ने कल 35 लाख रुपए के करीब कमाए। उसके बाद में आ जाती है द मिशन रानीगंज मूवी अक्षय कुमार की। इस मूवी से दर्शकों को काफ़ी उम्मीद थी और लोगों को लग रहा था ये मूवी 5-6 करोड़ रुपए तो एटलीस्ट कमाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी का जो कल का कलेक्शन था वो 2.80 करोड़ रुपए था और साथ में इसकी थिएटर में ऑक्यूपेंसी सिर्फ 11% थी। मतलब फर्स्ट डे किसी मूवी का ये हाल तो उस मूवी का हिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी अब वीकेंड आएगा तो वीकेंड पे अक्षय कुमार की मूवी कैसा परफॉर्म करती है तो हमको पता चल जाएगा, उसके बारे में मंडे को बात करेंगे। अब बात करते हैं थैंक्स फॉर द कमिंग मूवी के कलेक्शन के बारे में। इसने कल 1.06 करोड़ रुपए के करीब कमाए, जो किसी भी नई मूवी के लिए, जो छोटे बजट की मूवी है और जिसकी स्टार कास्ट भी ज्यादा बड़े नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इस मूवी के पास में स्क्रीन काउंट और शोज कम है तो भी इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया है। बात करें ऑक्यूपेंसी की, तो इसकी ऑक्यूपेंसी 16% रही, जो कि फुकरे 3, जवान दोनों और मिशन रानीगंज से ज्यादा है। और अगर ये व्यूअर्स को ऐसे ही पसंद आते रहे तो इस वीकेंड पर ये 6-7 करोड़ रुपए आराम से कमा लेगी। अब बात करते हैं द एग्जोरसिस्ट बिलीवर मूवी के कलेक्शन के बारे में। हॉलीवुड की इस हॉरर मूवी ने 90 लाख रुपए के करीब कमाए और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी थी 13% के करीब, और इस मूवी के भी इस वीकेंड पर कम से कम 5 करोड़ रुपए कमाने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, ये तो थी फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट सभी मूवीज के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मैनर में मिलता रहे। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।